फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गिनीन बनी में। जितने भी मेरे पास पेट्स हैं, कई सारे लोग पूछते हैं कि आपके पास क्या है अभी। तो मेरे पास मतलब जो मेरा रूम है उसमें क्या क्या पेट्स हैं, अभी मेरे पास क्या क्या हैं, टोटल मेरे पास कितने पेट्स हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। गिनी पिग रैबिट हमने बहुत बार दिखाए हैं, सबको पता है गिनी पिग, उसके अलावा मेरे पास क्या है तो एक एक करके दिखाते हैं। इनको देखिए, ये हैं जरबिल जो हमने अभी तक अपने एक भी वीडियो में नहीं दिखाए हैं। ये जरबिल, ये चूहे नहीं हैं, इनकी पूंछ देखिए जैसे भैंस की पूंछ होती नहीं है, पूरा भर के बाल होते हैं वैसे हैं। ये जरबिल, ये काटते नहीं हैं, चूहे काट भी लेते हैं, ये कभी काटते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं काटते। और बहुत सीधे, बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास पूरा एक पेयर है इनका। तो इनको हाथ में रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ये। और ये इनका केज है पूरा, ये इनका केज है, ये जो उसमें रखा हुआ है मिट्टी का, ये हमने बनाया है पूरा, आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर ये जा सकते हैं, इसमें वाटर बॉटल लगी हुई है जो 125 ml की है। ये आराम से इसको खत्म कर देते हैं। और ये देखिए हमारा हैमस्टर केज जो आप सब देखते होंगे, ये जो है ये हमसे काफी टेम है, बहुत ज्यादा टेम है। तो जब भी होता है तो ये इसको आसानी से आप अपने हाथ में ले सकते हो। रुक 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 रुक, ये फीमेल है, उसमें जितनी है वो 3 फीमेल है। ये 3 फीमेल्स हैं। और ये पूरा है, ये देखिए, ये ऊपर वाली अल्बिनो वाइट है, ये एक थोड़ा साफ करना है, शाम को हम साफ करेंगे इसको। अब जो हमने आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले जो हैमस्टर का वीडियो डाला था उसमें हमारे पास 2 हैमस्टर थे। तो अभी मेरे यहाँ पे रूम में मेरे पास जो मेल है जॉय, वो है, उसका केज हमने साफ किया है। और अभी वेल्डिंग हमने नहीं डाली है, वो पूरा सनफ्लावर सीड और सीड सब डाल मतलब गिरा के सो रहा है ऐसे, बाल उसके चिपके हुए हैं, साफ अप किया है उसको, मतलब भीग गया होगा, वाटर वाटर लगी है उसी के नीचे लेटा हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा टेम है, ये बहुत ज़्यादा टेम है, सो रहा था आँख। तो ये जो हमने केज बनाया था ये वही केज है। और अब हम आपको दिखाते हैं गिनी पिग का सेटअप, जो हमारे पास गिनी पिग थे, जो हमारा सेटअप था। ये पूरा सेटअप है हमारा, इसमें हम 3, मेरे पास एक मेल था जो ट्विटर नाम था एल्बिनो, उसके अलावा आपको 3 एल्बिनो दिख रहे होंगे। ये 3 हम लेके आए हैं दोबारा से। तो 3 बच्चे हैं पहले से जो थे, वो भी हैं, कुछ अंदर घुसे हुए हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं। हमने इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ बनाया हुआ है, ये फ्रेश रूट ग्रास है, आप देख सकते हैं। ये हमने बनाया हुआ है, इसमें आप ऐसे डाल दो और ये पूरा आराम से खा सकते हैं, नीचे से, नीचे से ऐसे वो खा भी रहे हैं ऐसे। वैसे क्या होता था, ज्यादा मतलब ग्रास दे दो तो ये उसको खींच देते थे और फिर उसी पे सूसू कर देते थे, तो वो तुरंत खराब हो जाती थी। ये जो मैट डाली है तो जब ये ग्रास इस पे खाते हैं तो यहीं पे सूसू पॉटी करते हैं, उधर ना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करते हैं, उसको थोड़े दिन बाद चेंज करना पड़ता है। इसको 2-3 दिन पे आप चेंज मतलब चेंज कर दीजिए तो दिक्कत नहीं होती है कोई, सारी गंदगी यहीं पे होती है जितनी भी होती है। और ये है हमारे मेल गिनी पिग जो है, एक ट्विटर है, एक और मेल है, और ये वाटर बॉटल है, ये 125 ml वाली है, हमने इसको सैनिटाइजर की बोतल लगा के इसको बड़ा किया हुआ है। वाटर बॉटल लगाने से फायदा यही होता है कि जो जो बाउल में आप पानी दे तो बाउल में कुछ गिर गया, गंदा हो गया, तो उसको आपने टाइम मतलब टाइम नहीं मिला, अब 1 घंटे 2 घंटे बाद जब भी आए तब तक वो वही पानी पियेंगे। पर जो बॉटल में है तो बॉटल में कुछ गिरने का है ही नहीं, फ्रेश पानी ही रहेगा तो वो आराम से उसको पी सकेंगे। ओए, ओए, ओए।
ये ट्विटर है, इनकी बोरी है, इस पे गिरता है तो उस पे स्टेन कर देते हैं एक दिन बाद। अब हमारे पास हो गए जो हुडेड रैट थे और जो वाइट रैट थे, जो जिसको हमने हैमस्टर जो भी दिखाया जॉय के केज में रखा हुआ था, तो वो भी हैं। नीचे जो सेटअप है इसमें, जो मतलब सेकेंड वाला दो पार्ट में जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हमने रखा हुआ है, उनको दिखाते हैं अच्छे से। ये है उधर देखिए, दो वाइट वाले मतलब जो मेरे वाइट रैट हैं वो, एक हुडेड और एक इस साइड में ये दिख रहा होगा आपको, ये बैठे हुए हैं। इसमें भी वाटर बॉटल जो हमने मंगाई थी 125 ml की, वही लगाई है। एक जो बॉटल है वो एलेक्सा के शैम्पू की, एलेक्सा जो हमारी मतलब जो मेरे घर पे पेट है, डॉग है उसका नाम है। तो यही सारे पेट हैं मेरे पास अभी, यही सब पेट है हमारे पास। हो गया रैबिट, तो रैबिट आपने देखे ही होंगे, ये बैठे हुए हैं, ये पूरा रूम इनको दिया हुआ है पूरा रूम। तो यहाँ पे इनको घास देते हैं, तो गिरा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ये बेंच पड़ी है, इस पर भी थोड़ा बहुत इन्होंने गिरा दिया तो वो चलता है। ये बच्चे हैं, ये सारे रैबिट्स हैं, दो नीचे लेटे हुए हैं, एक शायद उस केज के नीचे जो बड़ा वाला लकड़ी वाला केज उसके नीचे होंगे। सबकी डाइट अलग अलग है, तो इनको पालने मतलब इनको इनकी केयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जर्बिल की डाइट अलग होती है। उनको मतलब उनको आप धान दे सकते हैं, सनफ्लावर सीड और मील वाम दे सकते हैं। हैमसन भी होता है, मील वाम दिया जाता है, हफ्ते में एक बार दे सकते हो। इनकी सीड मिक्स होती है। रैबिट जो होते हैं उनको आप थोड़ा बहुत गेहूं हम दे देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। रैबिट को कभी कभी पैलेट दे सकते हैं, इनको ग्रास देते हैं, सबको पता है। तो वही गिनी पिग का है। कुछ चैनल हमने देखे यूट्यूब पे जो मतलब बहुत मज़े से रोटी खिलाते हैं, बताते हैं कि हम रोटी खिलाते हैं, अच्छा है, नहीं खिलाना चाहिए, गलत है। वो ह्यूमन फूड ग्रास, जो दूब ग्रास होती है, फ्रेश ग्रास इस टाइप की, एकदम फ्रेश ग्रास, इतने अच्छे से खाते हैं। और अगर रेगुलर इसी डाइट पर रहेंगे तो बहुत हेल्थी रहेंगे। तो मेरे सारे पेट्स यही हैं, ये सब खा रहे हैं मजे से। तो इनको ह्यूमन फूड ना दें, इनकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो मेरे यही सारे पेट्स हैं। फ्यूचर में अगर और कोई पेट्स होंगे तो हम आपको वही दिखाएंगे। मेरे पूरा रूम है, उसी में रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो बहुत दिन बाद आया है, उसके लिए सॉरी, ऐसे ही वीडियो आया करेगा। धन्यवाद।